हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज दोस्तों हमारी बीवी व्रत है एकादशी का, और कल रहेगी सोमवार का व्रत। तो 2 दिन का व्रत रहेगी, तो दोस्तों बनाने अब इतनी टाइम तो कुछ तो खाना पड़ेगा। अब देखिए क्या खाने जा रही है, क्या बनाने जा रही है। पहले अभी तो बनाने जा रही है, तो क्या बना रही हो? आलू की सब्जी बना रहे हैं। नमक नमक क्या पड़ेगा इसमें? लेना नमक पड़ेगा। हेलो दोस्तों, हम व्रत हैं एकादशी, और कल फिर सोमवार व्रत रहना है। तो दोस्तों बनाते तो हम कुछ नहीं है, लेकिन यही बहुत बोल डांट रहे हैं 2 दिन व्रत रखना है, तो ऐसा नहीं रहोगी कुछ बनाओ। तो दोस्तों हम ये आलू सब्जी बनाने जा रहे हैं। सेना नमक डालेंगे, घी में बनाएंगे। तो वही दोस्तों देखिए आलू छील रहे हैं। अब दोस्तों लगातार 2 दिन की व्रत पड़ गई है। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखिए हम फलहारी कैसे बना रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी सीखिए और बनाते रहिए। दोस्तों कई तरीका है इसको बनाने के लिए, लेकिन हम आसान तरीका अपनाए हैं बनाने के लिए, जो हमें आसान लगा है। आलू भी बड़ा बड़ा है, छोटा रहता तो ठीक रहता है। हम बनाने जा रहे हैं और आप लोग देखते रहिए कैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आलू का चिराई कर रही है। दोस्तों आलू बड़ा बड़ा है, तो बीच में से कई फाकी करना पड़ रहा है। तो देखिए ऐसे काट रहे हैं। तो चिरबू ना, तो ऐसे ना बिना छोटा रचा बड़ा रहा दोस्तों चिर नहीं पड़ेगा, छोटा हो या बड़ा हो वो तो चिरना ही पड़ेगा। दोस्तों बैठ नहीं पा रहे हैं नीचे, तो हमारे पे नाराज हो रहे हैं। कह रहे हैं हम कैसे बैठे, हम बैठ जाएंगे, हम उठ जाएंगे इतना जल्दी। तो उसमें हमारी क्या गलती है बताइए? पैर अगर इनका नहीं सही है तो उसमें हम क्या करें? अब मेरे वजह से थोड़ा ना इनका अच्छा पैर काम तो आप तर नाराज हो रहे हैं कि नीचे बैठी तो ऊपर बैठे। यही हमारा जगह है दोस्तों, यही यही पैर यही इसी जगह हड्डी राड टूटा टूटा था, बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो अब नाराज होते हैं। यही टूटा था, अब यही से हमारा जो है कि इसमें रॉड पड़ा है पूरा एकदम, यहाँ से यहाँ तकला पूरा ये सब रॉड पड़ा है। चलिए तो पैर मुड़ता नहीं है हमारा, तो बैठने में हमको दिक्कत हो रही। देखिए हम किस तरीके से बैठे हुए, ऐसे ही पैर पसार के बैठना पड़ता है कहीं। तो हम सोचे खटिए पर से बना दे वीडियो, तो बोल रही है कि नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बताइए, नहीं बैठना पड़ रहा है। अब बैठ करके बनाना पड़ेगा, बना ही रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हमने देखिए गन्ना मशीन रखा हुआ है, गन्ना रखा हुआ है, मशीन मान लीजिए बाहर है, तो इसीलिए खड़े खड़े काम है। तो हम गन्ना मशीन चलाते थे, अपना गुजर बसर करते थे इसी से, सब परिवार अपना चलाते थे। अब परिवार भी छोटा है, बाबू है, एक हम हैं, एक ये है, हम 3 ही लोगों के परिवार हैं, कम संतान सुखी इंसान, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अभी सुख से नहीं है, दुखी से है, क्योंकि अभी थोड़ा अंदर जो है पथरी उथरी है पेट में गुर्दे में, इसीलिए जो है कि बहुत किल्लत से चलते हैं हम, उसकी दवा बार बार चलानी पड़ती है, ख़त्म नहीं हो रहा है। हमको खाने में किसी प्रकार का दिक्कत होती है, क्या खाएं क्या खाएं, हरा सब्जी केवल खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, तेल मसाला नहीं बोलता है। बिना तेल मसाला चलता नहीं, बिना तेल मसाला का चलता नहीं, तेल मसाला क्यों नहीं, हरा सब्जी इसमें महंगा नहीं है। अब हमारा सब्जी दोस्तों अभी घेवड़ा लगाए हैं तो फल नहीं दे रहा, अभी बहुत लेट में लगाए हैं, फल नहीं दे रहा है। दोस्तों हम लोग किसान हैं तो बहुत पीछे औजार दिख रहा होगा, किसान है तो
क्या रहेगा, शहर के लोग रहते हैं तो उन लोगों के पास ये सब नहीं रहता है। देखिए वो चट्टी रखा हुआ है, जाट वाला बोरा है, उससे गोभी का बीज गिराए हैं। वो सब हमेशा रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी हमेशा आवश्यकता लगती है ना। तो दोस्तों देखिए हम मर्चे काट रहे हैं इसी तरह, बीच में से फाड़ के रोक देते हैं। जब मतलब ये फलहारी बनाते हैं तो इसी तरह मर्चा खड़े खड़े रहता है। बाबू घी लाओ पूजा। दोस्तों ये बना रही है, मतलब ये कि घी से बनता है, लोकल देसी घी से बनता है और सेंधा नमक डाल करके बनाती है और व्रत में मतलब ये चलाती है। और दो दिन का व्रत है तभी बनाती, बना रही है ना, बोले हैं तभी बना रही है, नहीं बनाती। वैसे खाना भी उचित होता है, दोपहर का रस उस पी ली है बस। दोस्तों देखिए पानी में से छान रही है, धुआई करके निकल रहा है अभी बाहर। इसी में से दोस्तों हम लोग भी चीख लेते हैं प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में मतलब हम लोग भी चीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बाबू को अच्छा लगता है दोस्तों। हम व्रत में कुछ खाना हमको पसंद नहीं लगता है, कुछ फल फ्रूट नहीं खाते हैं, बस सुबह चाय पिए थे और दोपहर में रस बनाए हैं, अब इतने टाइम दोस्तों अब बना रहे हैं सब्जी। इतने टाइम सब्जी बना रही है, 8:30 बजे, 8:30 बजे अभी हम लोग का खाना बाकी है, अभी हम लोग का खाना नहीं बना है, खाना बनाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए ये घी है, पैकेट का घी लाए थे और उसी में जो है पड़ गया है। अब वो देसी घी है दोस्तों, अभी इसी में छौकाई भुजाई यही में होगा और सेंधा नमक पड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए तेल गरम, मर्चा भी पड़ गया है, मर्चा भी हो गया है। और इसको अब बढ़िया से भूजेगी, भूजना क्या है, अब पानी डाल करके पानी पड़ेगा ना जी, घी में हो जाएगा। देखिए दोस्तों सेंधा नमक पड़ रहा है, ये सेंधा नमक है। तो दोस्तों देखिए अब देख रही है कि हो गया कि नहीं हुआ, लगभग लगभग जहाँ तक हमारे देखने में तो हो ही गया है। दोस्तों देखिए एकदम बन के रेडी हो गया है। दोस्तों ये पानी नहीं पड़ा है इसमें, वो घी पड़ा था और उसके आलू तो इसे पानी छोड़ता है, आलू तो भाप से हुआ है, आलू तो इसे पानी छोड़ता है, पहले अपने भगवान को चढ़ा दें, अपने भगवान को चढ़ाएगी मतलब जो एकादशी का जो किसका व्रत है, नारायण जी का नहीं, उसमें भी जो हाँ उसमें भी लोग होते हैं ना। तो देखिए इसमें प्रसाद निकाल चुके हैं और इसमें रोटी में पानी दे दिए हैं, चल रहे हैं पहले अपने प्रभु जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद इन लोगों को बचाते हैं। और तो देखिए हम अपना सब्जी बहुत आसान तरीके से बनाए हैं, बहुत आसान विधि है,
और बाबू को खाने में भी टेस्ट आएगा, उसको बहुत अच्छा लगा। हमने चल रही है चढ़ाने के लिए दोस्तों, चढ़ाने के लिए चल रहे, चल रहे हम भी दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट लगता है चूहा काट देते हैं। लाइट लगाते हैं तो चूहा तार काट देता है, इसलिए अभी लगाए थे काट दिया। ये श्री कृष्ण राधा जी हैं, अब इनके सामने हम ये सब रख दे रहे हैं। बाबू उसमें अगरबत्ती दो तो दोस्तों देखिए, हम अपने प्रभु के यहाँ चढ़ा दिए हैं कटोरी में, यहाँ जल रख दिए हैं दोस्तों, कटोरी में उनको चढ़ा दी है प्रसाद, और भगवान को जो व्रत में खाएगी वही चढ़ा दी है, और उसके बाद लोटे में पानी रख दी है, अगरबत्ती दिखा रही है प्रभु को, और उसके बाद जो है कि अब दीप जलाई है। प्रभु दोस्तों देखिए, यही मेरे प्रभु लोग हैं, यही पे हम पूजा पाठ करते हैं अपना। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में भी खुशियां लाए, मैं यही प्रार्थना सबको कर रही हूँ। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सबको भगवान खुशियां प्रदान करें, हर उनके मन्नत को पूरा करें। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया है प्रसाद, अब भोग लगाने ये भी जा रही है, भोग लगा लेगी तभी तो हम लोग भी खाएंगे। भाई हम लोग को खाना खाना है, ये व्रत है, क्योंकि भगवान को चढ़ा चुके हैं, अब ये खा लेंगी, उसके बाद तो हम। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोग के सपोर्ट से हमको आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आप लोग अपना लाड़ प्यार हम लोग पे भी बनाए रखिए। बस इतना ही कहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारे वीडियो को देख करके दोस्तों जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप लोगों का ही सपोर्ट से हम आगे जो भी कुछ होना है तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।